सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 14 अप्रैल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में NCAER की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आंसर होगा पूनम गुप्ता। NCAER मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो अभी हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक के रूप में पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है, और ये किनका स्थान लेंगी? शेखर शाह का ये स्थान लेंगी। बाकी आयशा अजीज, अभी भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी थी, ये कश्मीर से हैं। सोमा मंडल सेल की पहली महिला चेयरमैन बनी थी, और हीमा कोहली तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस ये बनी थी। तो इस प्रश्न से पूनम गुप्ता का नाम याद रखना। बढ़ते आगे, फिर अगला प्रश्न है, बताइए हाल ही में किसे चौथी बार सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा केन विलियमसन को। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैं ये केन विलियमसन, जिनको 6 साल में चौथी बार सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया है। किसे? केन विलियमसन को। बाकी राशिद खान, आप जानते हो अफगानिस्तान के स्पिनर हैं ये। इनका नाम अभी न्यूज में था क्योंकि अभी 21वीं सदी में एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा ओवर करने वाले ये पहले बॉलर बने। किरण पोलार्ड वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, और अभी T20 इंटरनेशनल में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने वाले ये दूसरे क्रिकेटर बने, और थिसारा परेरा ये एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले श्रीलंकाई बने थे। तो इनके नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे, फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अप्रैल को। तो हर साल 14 अप्रैल को ये वर्ल्ड चगास डिजीज डे के रूप में मनाया जाता है। इसे पहली बार 2020 में मनाया गया था, यानी कि ये इसका दूसरा संस्करण है। तो चगास रोग, चगास डिजीज, जिसे मूक या खामोश बीमारी यानी कि साइलेंट डिजीज के रूप में भी जाना जाता है, और मुख्य रूप से ये उन गरीब लोगों को प्रभावित करता है जिनके पास स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच नहीं है। सिंपल सा अगर कहें तो कीड़ों के द्वारा जो रोग होते हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी जयंती मनाई जाती है। इस बार उनकी 130वीं जयंती मनाई गई, जिसे भीम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अप्रैल में कौन कौन से डे हमने मनाए हैं? देखो, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया गया, 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया, 2 अप्रैल को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया, फिर 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया, 5 अप्रैल को नेशनल मैरिटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया, और 5 अप्रैल को ही इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया गया, फिर 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया, अभी 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस के रूप में मनाया था, और 12 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में हमने मनाया था। तो अप्रैल के ये डेज आपको याद रखने हैं, और इससे पिछले महीने यानी कि मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे विद थीम, उनका मैं ऑडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियो रिविजन करके। बढ़ते आगे, फिर बताइए, सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा सिंगापुर। RCEP मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। तो RCEP एक बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौता है जिसमें 10 आसियान अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया शामिल है। RCEP में नवंबर 2020 में 15 भागीदार देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, और भारत ने इसे 2019 में चुना था। और इस व्यापारिक करार का मकसद है RCEP में देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाना, और सिंगापुर ने RCEP समझौते की पुष्टि की है, जो चीन के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। और ऐसा करने के बाद सिंगापुर RCEP की पुष्टि करने वाला 15 प्रतिभागी देशों में पहला बन गया है। कौन? सिंगापुर। तो ये रहा मैप में सिंगापुर। कैपिटल इसके सिंगापुर सिटी है, सिंगापुर डॉलर इसकी करेंसी हो गई, प्रेसिडेंट हलीमा याकूब है और प्रधानमंत्री ली सीन लुंग है। बढ़ते आगे, फिर बताइए,
हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा गुइलेर्मो लासो। तो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं ये गुइलेर्मो लासो, इनका नाम याद रखना। अच्छा, सामिया सुलुहु हसन की बात करेंगे, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मारियो द्रागी इटली के प्रधानमंत्री बने ये, और काजा कलास एस्तोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी। अब बात यहाँ पे इक्वाडोर की है, ये रहा मैप में इक्वाडोर। ये दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी कैपिटल क्यूटो है, इसकी करेंसी है US डॉलर, और नए प्रेसिडेंट कौन बन गए? गुइलेर्मो लासो। बढ़ते आगे, फिर बताइए किस राज्य की सरकार ने जहाँ झुग्गी वहीं मकान योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो इस योजना का उद्देश्य है झुग्गी बस्तियों में रह रहे बेघर परिवारों के लिए फ्लैट्स बनवाए जाएंगे, जिससे कि इन परिवारों को अच्छी जिंदगी मिल सके और इस योजना के तहत असमानता को कम किया जा सके। और दिल्ली से अभी आपको याद होगा, दिल्ली सरकार ने सहेली समन्वय योजना को शुरू किया, और भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन भी दिल्ली में ही हुआ है। अभी दिल्ली सरकार ने ही अपने बजट को देशभक्ति बजट के नाम से प्रस्तुत किया था। उसके अलावा अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना को शुरू किया, उत्तराखंड ने घरों की पहचान चेली का नाम योजना शुरू की, हरियाणा सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की थी। बढ़ते आगे, फिर अगला प्रश्न है, जूलियस बेयर लाइफस्टाइल इंडेक्स के अनुसार दुनिया में रहने के लिए सबसे महंगी जगह कौन सी बताई गई? तो आंसर होगा शंघाई। तो जो चाइना है ये 2028 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और अभी हाल ही में जूलियस बेयर लाइफस्टाइल इंडेक्स के अनुसार चाइना का शंघाई दुनिया का सबसे महंगा शहर है। इसमें दूसरे स्थान पर टोक्यो है और तीसरे स्थान पर हांगकांग है। अब पहले स्थान पे चाइना का शंघाई है, तो ये रहा मैप में चाइना। देखो, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, और बीजिंग में आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा और शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी। करेंसी इसके रेनमिन भी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अच्छा, भारत और चाइना के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। अभी जो मिलिट्री डायरेक्ट इंडेक्स जारी किया गया था उसमें बताया था कि चाइना के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। उसके अलावा 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश रहा था चाइना। और अभी एक और डेटा आया था जिसमें बताया था कि 2020 में यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा था चाइना। और अंकटाड की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया कि 2020 में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था चाइना। उसके अलावा 2023 में 18वें AFC एशियन कप होंगे आपके चाइना में। AFC मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। उसके अलावा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट ने बताया था कि 2028 तक चाइना USA को पछाड़ के सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। उसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया चाइना ने, जिसका नाम है फास्ट। फास्ट मतलब होता है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। बढ़ते आगे, फिर बताइए भारत के किस नगर निगम ने देश में पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो आंसर होगा गाजियाबाद। तो भारत में गाजियाबाद नगर निगम ये ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। तो गाजियाबाद नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड मार्ग के माध्यम से 150 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है, और शहर में तृतीयक जल उपचार बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बॉन्ड की आय का उपयोग किया जा रहा है, और ये बॉन्ड हाल ही में अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए हैं। अब गाजियाबाद ये उत्तर प्रदेश का शहर है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। देखो, इसकी कैपिटल लखनऊ है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हो गई आनंदीबेन पटेल, और यहाँ के चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर। अभी हमने कल पढ़ा था उत्तर प्रदेश सरकार ने महान कवि सूरदास की तपोस्थली, जिसका नाम है महमूदपुर, उसका नाम बदलकर परासोली कर दिया। अभी उत्तर प्रदेश ने अनूठी उपहार योजना शुरू की थी, उसी तरह से सस्ती किराया आवास योजना अफोर्डेबल रेंटल हाउस एंड कॉम्प्लेक्स स्कीम शुरू की थी। और अभी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में केला महोत्सव मनाया गया, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड़ महोत्सव यानी कि जेगिरी महोत्सव मनाया गया, उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया। अभी उत्तर प्रदेश ने भारत का पहला FPO पोर्टल लॉन्च किया, FPO मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अभी उत्तर प्रदेश ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की, और उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड होल्डिंग्स की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड भी जारी किया था।
युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन लॉन्च किया, अभ्युदय योजना शुरू की, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की, मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना शुरू की, शादी अनुदान योजना शुरू की थी और सिख गुरुओं के इतिहास को राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय फूल पलाश का है और राजकीय वृक्ष अशोक का है। अभी यहाँ पे आपको याद होगा जो अयोध्या हवाई अड्डा है जिसका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया और जेवर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया और यहाँ का जो कुशीनगर एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया। इस तरह से अभी उत्तर प्रदेश के पास 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और 2023 तक टोटल 5 हो जाएंगे और इस तरह से सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बन जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विजडम फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम ग्रून अप्स डिस्कवरिंग कॉरपोरेट आयुर्वेदा नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा आर नारायणन और आर गोपाल कृष्णन ने लिखा है इस बुक को जिसका नाम क्या है, विजडम फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम ग्रून अप्स डिस्कवरिंग कॉरपोरेट आयुर्वेदा। बाकी अभी आपको याद होगा नेहा सिन्हा ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज। अभी नितिन गोखले ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ और समीर सोनी इन्होंने लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस। बढ़ते आगे, बताइए अभी नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 12.6%। तो जापानी ब्रोकरेज कंपनी है नोमुरा और इसने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, 12.6%। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि राष्ट्र सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 अप्रैल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ, तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहीं पर आपको क्विज वीडियो PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।